ये है ग्रीन एरो का माइक, जिसको मैंने लिया था 6 मंथ पहले ओनली 1900 रुपये में, और तब से ये मेरे साथ है। अगर आप एक यूट्यूबर हो, रील्स बनाते हो, टिकटॉकर हो, या फिर किसी भी तरीके की वीडियो बनाते हो और एक माइक को सर्च कर रहे हो, तो ये माइक आपके लिए परफेक्ट से भी ऊपर होने वाला है। अब ऐसा मैं किस लिए कह रहा हूँ, क्योंकि 6 मंथ का तजुर्बा है, 6 मंथ से मैं इसको यूज कर रहा हूँ। इसको आपको क्यों लेना चाहिए, एक-एक चीज़ बताऊँगा, एक-एक पॉइंट बताऊँगा, और कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है जिसको मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उससे पहले मेरा नाम जान लो। मेरा नाम है शिवा पुंगेनी, और पंगे मत लेना, क्योंकि शिवा की बोली बंदूक की गोली। लेट्स स्टार्ट। अगर सबसे पहले बात करें इसका नॉइज़ कैंसिलेशन के ऊपर, तो इसका नॉइज़ कैंसिलेशन कमाल का एक्सपीरियंस होने वाला है। इसके अंदर आपको 3 लेवल मिलेंगे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। आपको सिंपल चेंज करने के लिए यहाँ पर एक बटन लगा है, उसको क्लिक करने से आपका नॉइज़ कैंसिलेशन लेवल 1 से लेवल 2 पे चला जाएगा। उसको कैसे यूज़ करना है, अभी हम बाहर रोड पे जाएंगे, सब कुछ बताएंगे और इसका तीनों लेवल को टेस्ट करके दिखाएंगे भी। तो बाहर जाने से पहले, इफ़ आई टॉक अबाउट द डिस्टेंस कवर, ये डिस्टेंस कितना कवर करता है, तो कंपनी का मानना है 20 मीटर ये डिस्टेंस कवर करता है। जैसे कि मैं 6 मंथ का एक्सपीरियंस हूँ, अगर मैं अपना 6 मंथ का एक्सपीरियंस बताऊँ तो 18 मीटर इज़ द परफेक्ट। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, 18 मीटर इसलिए, अगर आप 18 मीटर से थोड़ा सा भी ज़्यादा जाते हो, डिस्टेंस कवर करते हो, तो आपका जो वॉइस है रुक रुक के आने लगेगा। तो इसलिए 18 मीटर इज़ द परफेक्ट। सो चलो अब बाहर चलते हैं। बाहर आ गया हूँ आपको दिखाने के लिए कि ये किस तरीके से यूज होता है। यूज करने के लिए सिंपल, आपको क्या करना है, ये रहा, ये रिसीवर है और एक माइक है। जैसे आप माइक को उठाओगे ऐसे करके, सिंपल आपको अपने माइक का रिसीवर को अपने फ़ोन पे इस तरीके से लगा देना है। अब ये यहाँ पर टाइट हो चुका है। अब जैसे आप टाइट करोगे, आपको एक यहाँ पर बटन देखने को मिलेगा, बटन। अब आपको यहाँ पर बटन सिंपल क्लिक करना है। जैसे आप बटन क्लिक करोगे, ये ग्रीन लाइट आपका देखने को मिल जाएगा। जैसे आप देखेगा, मतलब इससे ये कनेक्ट हो गया, ग्रीन लाइट ऐसे ही शो होगा। अब ग्रीन लाइट शो हो गया, अब इसको कैसे यूज़ करना है और इसका माइक कैसा है, वॉइस क्लियर कितना है, अब वो दिखाने जा रहा हूँ मैं आपको। चलो फटाफट इसका टेस्ट करते हैं। तो अब चेक कर लेते हैं अपनी माइक का वॉइस कितना क्लियर आ रहा है। तो फटाफट इसके अंदर आपको 3 लेवल के नॉइज़ कैंसिलेशन मिलेंगे, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब फटाफट चलते हैं फर्स्ट लेवल के नॉइज़ कैंसिलेशन को। जैसे आप एक बार क्लिक करोगे, तो फर्स्ट लेवल के लिए आपका जो ग्रीन लाइट है फर्स्ट टाइम ब्लिंक होगा, मतलब कि ये नॉइज़ कैंसिलेशन फर्स्ट है। जो आप अभी ये वॉइस सुन रहे हो, ये फर्स्ट लेवल का है। थोड़ी देर के लिए मैं चुप हो जाता हूँ, फिर आप बताना कि इसकी आपको कितनी नॉइज़ आ रही है बाहर की। तो ये था इसका फर्स्ट लेवल का नॉइज कैंसिलेशन। अब चलते हैं सेकंड लेवल पे। अब देखते हैं कि सेकंड लेवल पे इसका कितना नॉइज कैंसिलेशन है। आपको फिर से सेकंड लेवल पे जाने के लिए फिर से यहाँ पर एक बटन है, उसको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कर दोगे, आपका जो ग्रीन लाइट है वो सेकेंड टाइम, मतलब कि 2 बार ब्लिंक करेगा, मतलब कि ये सेकेंड लेवल पर चला गया। अब जो ये वॉइस सुन रहे हो, ये सेकेंड लेवल का नॉइज कैंसिलेशन है। तो सेम चीज़, मैं थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता हूँ, फिर आप बताना मुझे कि किस तरीके से और कितना नॉइज़ आ रहा है। मैं थोड़ा और दूर हो जाता हूँ। तो ये था सेकेंड लेवल का नॉइज़ कैंसिलेशन। अब चलते हैं मैक्सिमम नॉइज़ कैंसिलेशन पे, वो है थर्ड लेवल पे। फिर से मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पर 3 टाइम्स ये ब्लिंक होगा। तो अब चेक करते हैं थर्ड लेवल का नॉइज कैंसिलेशन पे। अब मैं थोड़ी देर में चुप हो जाता हूँ। बाहरी रोड है और बाहर से बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा है। चेक करते हैं कितना साउंड इसके अंदर आ रहा है। तो बाहर रोड का एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा, मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही मैं कुछ और टॉपिक पे इसी माइक को टेस्ट करके आपको दिखाऊं, तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ, बस कमेंट बॉक्स में लिख देना। सो लेट्स टॉक अबाउट द बैटरी लाइफ, इसकी बैटरी लाइफ कितनी होने वाली है। अगर हम बात करें बैटरी लाइफ के ऊपर, कंपनी का मानना है कि 8 आवर्स कंटिन्यूस ये वर्क करेगा, एंड या दैट इज़ ट्रू। जब से मैंने इसको लिया है, बैटरी लाइफ में मुझे कभी भी दिक्कत नहीं हुई। मैं अपने काम के लिए 5 से 6 घंटे रेगुलर काम करता हूँ, जैसे अभी रिकॉर्डिंग के लिए तो कर ही रहा हूँ, उसी के साथ साथ जब मैं एडिटिंग करता हूँ तो वॉइस ओवर के लिए भी मैं इसी का यूज़ करता हूँ, और 5 से 6 घंटे कंटिन्यूस ये वर्क करता है।
और मुझे चार्जिंग की दिक्कत कभी भी नहीं आई। तो या बैटरी लाइफ में कहूँगा परफेक्ट से भी ऊपर है। अब बात करते हैं इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स में, जो कि आपको सुन के थोड़ा सा आप शॉक्ड होने वाले हो। जब मैंने पहली बार इसको ख़रीदा तो मुझे पता नहीं था ये चीज़, और मुझे किसी ने भी बताया नहीं यूट्यूबर ने, बट मैं आपको बताने आ रहा हूँ 6 मंथ का एक्सपीरियंस। सो सबसे पहले बात करें नेगेटिव पॉइंट्स क्या, जब आप इसको ख़रीद के अपने कैमरा के रिसीवर को इंसर्ट करोगे देन आपको पता लगेगा ये काम ही नहीं करेगा। या दैट इज़ ट्रू। इसको यूज़ करने के लिए आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, जैसे मैं ओपन कैमरा यूज़ करता हूँ। अगर आप डिफ़ॉल्ट कैमरा से इसको यूज़ करोगे तो ये माइक यूज ही नहीं होगा। ये कंपनी का कहना है कि ये डिफ़ॉल्ट कैमरा पे सपोर्ट नहीं करता, एंड मुझे ये काफ़ी बेकार लगता है ये चीज़। पता नहीं क्यों डिफ़ॉल्ट कैमरा पे क्यों सपोर्ट नहीं करता। उसके लिए आपको किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर आपको वहाँ पर माइक का सेटिंग वगैरह करके फिर आपको इसको यूज़ करना पड़ेगा। अगर हम सेकेंड नेगेटिव पॉइंट्स के ऊपर बात करें तो, या पहले ही मैंने आपको बता दिया डिस्टेंस, जो कि थोड़ा सा इसका डिस्टेंस जो कवर करता है वो थोड़ा कम है। अगर आप ध्रुव राठी की तरह वीडियो बनाते हो ये माइक परफेक्ट है, मेरी तरह वीडियो बनाते हो ये माइक परफेक्ट है, ब्लॉगिंग करते हो उसके लिए भी परफेक्ट है, लेकिन आप अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे वीडियो बनाते हो तो थोड़ा सा ये माइक आपको दिक्कत परेशानी करेगी, तो आप किसी और माइक को देख सकते हो। बट या अगर आप इस टाइप की वीडियो बनाते हो तो ये माइक आपके लिए परफेक्ट होने वाला है। तो बस फिर इस वीडियो में मैंने सब कुछ कवर करने की कोशिश की है, पॉजिटिव थिंग्स से लेके नेगेटिव पॉइंट्स से लेके आपको एक्सपीरियंस भी कराया। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। अगर आपको ख़रीदना है तो मैं डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक दे दूंगा, जाके आप परचेस कर सकते हो। और ऐसी वीडियो चाहते हो सब्सक्राइब करके ज़रूर रख देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और अपना ख्याल रखो। बाय।